हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बीकेडी केमिस्ट्री में। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थियरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्वेल्थ बोर्ड के लिए अक्सर पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक होते ही हैं। देखिए, हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी की, जिसको दिया था एच बेट एंड वान ब्लैक ने 1930 में। देखिए, क्रिस्टल फील्ड थियरी की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्रिस्टल फील्ड थियरी बोलता है कि मेटल के सेंट्रल मेटल और लीगेंड के बिटवीन कोई किसी तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता है, इन दोनों के बीच वर्क करता है केवल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच केवल एक इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, किसी तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड काम नहीं करता। ये थियरी बोलती है कि अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल पर हमेशा चार्ज क्या होता है? प्लस। अब देखिए, वो एक प्लस भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, मैं एक प्लस की बात करता हूं। ये बोलती है कि अगर मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास लीगेंड है जिन पर कौन सा चार्ज है? निगेटिव। तो पॉजिटिव लीगेंड निगेटिव लीगेंड को, सॉरी, पॉजिटिव मेटल का चार्ज निगेटिव लीगेंड को अपनी ओर इंट्रैक्ट करेगा और वर्क करेगा क्या बोलो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर हमारा लीगेंड न्यूट्रल है, फॉर एग्जाम्पल H2O, फॉर एग्जाम्पल NH3, ऐसे केस में थियरी बोलती है कि अगर बेटा मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, तो देखिए इस पर आता है पार्शियल नेगेटिव और इस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, इसके पार्शियल नेगेटिव और मेटल के फुल पॉजिटिव के बीच क्या शुरू हो जाएगा? इंट्रैक्शन। मतलब अगर मोटी बात करूं तो इस थियरी का केवल ये कहना है कि मेटल और लिगेंड के बीच किसी तरीके के कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कोई जरूरत नहीं है। ये केवल एक कैसा काम करता है? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच काम करता है। अब मैं आपको दो तरीके के एग्जाम्पल लेकर इस थियरी को आगे बढ़ाऊंगा। एक हमको जानना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। तो आइए शुरू करते हैं CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एच वेथ और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वान ब्लैक। इंपॉर्टेंट, एच ब्लैक एंड वान ब्लैक इन 1930 गिव द वेरी इंपॉर्टेंट थियरी व्हिच सुपरसीड द बैलेंस बॉन्ड थियरी। एक ऐसी थियरी दिए जो बैलेंस बॉन्ड थियरी पर भी भारी हो गई, उसको हम बोलते हैं CFT। इसका फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल फील्ड थियरी। मैं आज आपको क्रिस्टल फील्ड थियरी ऑक्टाहेड्रल बताऊंगा, फिर ऑक्टाहेड्रल के बाद हम डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पर। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि जितने भी मेटल होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं तो डी में पांच ऑर्बिटल होते हैं, एक का नाम DXY, एक का नाम DYZ, एक का नाम DZX, DX2, Y2 एंड DZ2। ये पांच ऑर्बिटल डी के पास होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2 एंड DZ2। ये पांचों ऑर्बिटल अपने में डी जनरेटेड होते हैं। डी जनरेटेड मींस इनकी एनर्जी आपस में क्या होती है? इक्वल। इस XY, YZ, ZX, X2, Y2 और DX2 सारे पांचों ऑर्बिटलों की एनर्जी ऊर्जाएं आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। लेकिन अब हम जो बात आगे करने वाले हैं उस पे हम एनर्जी की स्प्लिटिंग की बात करेंगे। आगे हम देखेंगे ये डी का ऑर्बिटल दो टुकड़ों में बंट जाएगा, लेकिन हमको कॉम्प्लेक्स और स्प्लिटिंग जानने के लिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानना जरूरी है। देखिए, अगर मैं इसको दो पार्ट में इधर कट कर दूं और आगे वाले का नाम मैं दे दूं T2G सेट
और पीछे वाले का नाम दे दूं इजी सेट। इन दोनों को मैंने बोला इजी सेट और आगे वाले को मैंने बोला क्या बोलो T2G सेट। याद करने का तरीका है, अगर T2G में देखो तीन चीजें हैं, T2G 1 2 3, ऑर्बिटल भी 1 2 3, ईजी में कितने हैं 2 1 2, तो कितने 1 और 2। दरअसल T2G को हम बोलते हैं ट्रिपली डी जनरेटेड, वो तीन ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी आपस में क्या है इक्वल, और ईजी को हम बोलते हैं वो दो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी आपस में क्या है इक्वल। ठीक है, अब इससे पहले हम थोड़ा सेप पर डिस्कस करेंगे। देखिए जो डी का ये ऑर्बिटल है DXY DYZ DZX, अगर इस ऑर्बिटल को हम एक्सिस पर रख के देखेंगे तो हम जानते हैं कि डी के पास डबल डंबल शेप होता है। यदि मैं इसको ऐसे रख कर देखूंगा तो वो चाहे DXY हो, वो चाहे DYZ हो, वो चाहे DZX हो, इनके जितने भी लोब होंगे वो होंगे इंपॉर्टेंट बिटवीन द एक्सिस। इसका मतलब तुम्हारा जो T2G सेट है उसके ऑर्बिटल सारे एक्सिस के क्या होते हैं बोलो बीच में होते, मतलब ऑन द एक्सिस नहीं होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। अच्छा, इसके शेप का वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको देख सकते हो, उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। सारे ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इसको याद कर लो या वहां से आप शेप कंफर्म कर लीजिएगा DXY DYZ DZX। अच्छा, इसका मतलब डी के दोनों लोब न एक्स पर है न वाई पर है, तो कहां है एक्स और वाई के बीच में, न वाई पर न जेड पर, तो कहां वाई और जेड के बीच में, न जेड पर न एक्स पर, तो कहां हां बोलिए एक्स और जेड के बीच में। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे बढ़ता हूं। देखिए जो डी एक्स स्क्वायर डैश या माइनस कुछ लोग बोलते हैं वाई स्क्वायर लिखा रहता है, ये जो तुम्हारा ऑर्बिटल है अगर इसकी बात करेंगे तो अगर मैं ये वाई एक्सिस लेता हूं तो एक पूरा लोब वाई पर, और अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो एक पूरा लोब किस पर होता है बोलो एक्स एक्सिस पर, और ये किस पर है बोलो वाई एक्सिस पर। और डी जेड स्क्वायर बहुत अच्छे से जानते हैं आप कि डी जेड स्क्वायर में एक लोब जेड एक्सिस पर होता है और इसके अराउंड ऐसे दूसरा ऐसे रोटेट करता रहता है। इट मींस ये तुम्हारा ईजी सेट होगा, इसके लोब कहाँ होंगे ऑन द एक्सिस। तो एक बात तो फाइनल है, दो तरीके के सेट हैं T2G सेट और ईजी सेट। T2G सेट के तीनों ऑर्बिटल एक्सिस के कहाँ होते हैं बीच में, और ईजी सेट के दोनों ऑर्बिटल कहाँ होते हैं बोलो ऑन द एक्सिस। मतलब मेटल के पास 5 ऑर्बिटल हैं जिनमें से 3 एक्सिस के बीच में हैं और 2 ऑन द एक्सिस हैं। कौन है? ईजी वाले ऑन द एक्सिस हैं और T2G वाले एक्सिस के कहां है बोलो बीच में। अभी मैंने बोला पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में इक्वल है, मतलब सारे ऑर्बिटल क्या है बोलो डी जनरेटेड ऑर्बिटल है। चलिए अब हम क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहे थे तो बेटा अगर मैं एक मेटल और 6 लिगेंड लूं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड का नंबर क्या होता है लिगेंड का नंबर क्या होता है 6, वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो एक लिगेंड और दूसरा लिगेंड और तीसरा चौथा पांचवा और छठवां, ये देखिए 6 लिगेंड आपके इस तरीके से प्लेस्ड किए गए हैं, मतलब इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल, मतलब 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रली प्लेस किए गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं इसको 3D में रख दूं, अगर मैं इस मेटल के सारे लिगेंड्स को 3D में प्लेस करूं तो कहां आएगा, आइए देखते हैं। एक क्यूब बनाता हूं मैं, इसको 3D में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्लेस करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूं, सपोज करिए ये वाला जो एक्सिस है इसको मैं आगे ले गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। इसको मैं इधर ले जाता हूं, ये जेड एक्सिस हो गया, और इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, ये हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जेड हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। देखिए मैंने इसको एक्सिस में दिखाया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा जेड।
मानते हैं कि हमारा मेटल यहां पर रखा है, देखो रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये मेरा यहां पर मेटल रखा है। देखो एक लिगेंड कहां ऊपर, तो एक लिगेंड यहां कौन से एक्सिस पर, जेड। एक लिगेंड नीचे कौन से एक्सिस पर, जेड। एक लिगेंड इधर, इधर का मतलब ये हो गया एक्स एक्सिस पर। एक लिगेंड इधर इस एक्सिस पर, एक लिगेंड इधर इस एक्सिस पर, और एक लिगेंड इधर इस एक्सिस पर। मतलब अगर ध्यान से देखो तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो सारे लिगेंड होते हैं वो होते हैं ऑन द एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे गेम यही करने वाला है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड क्या होते हैं ऑन द एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 सारे लिगेंड क्या है बोलो, ऑन द एक्सिस। अगर मैं इस क्यूब की सहायता लूं, इसकी हेल्प लूं, तो देखिएगा यहां पर हमारा क्या रखा है मेटल, इस पोजीशन पर मेटल रखा है, एक लिगेंड इधर है, ठीक है, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, दो हो गया, दो लिगेंड इधर, चार हो गए, ये दो इधर कितने हो गए, छह। तो टोटल लिगेंड कितने हैं बोलो, 6। और कोई लिगेंड एक्सिस के बीच में नहीं रखा गया है, सारे लिगेंड ऑन द एक्सिस रखे गए हैं। याद रहे ये कंडीशन हर जगह नहीं होती, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इधर वाला आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अब हमारे दिमाग में ये बात आ गई कि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड हैं और वो कहां है बोलो, ऑन द एक्सिस। एक फिगर फिर बना रहा हूं, देखिए ये हमारा एक 3D को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया ऐसे। यहां पर हमने मेटल को रखा, ठीक है, चलिए मेटल को रेड कलर से रखते हैं। इस एक्सिस को मैंने यहां आगे बढ़ाया, ये एक्स हो गया, इसको आगे बढ़ाए, सॉरी ये जेड हो गया, इसको आगे बढ़ाए वाई हो गया, इसको हमने बढ़ाया एक्स हो गया। ध्यान से समझिएगा, हमारे सारे लिगेंड, एक लिगेंड यहां है, एक लिगेंड यहां है, एक लिगेंड यहां है, एक लिगेंड यहां है, एक लिगेंट यहां है, एक लिगेंट यहां है, 6 लिगेंट हो गए। अब देखिए ये हमारा एक मेटल का ऑर्बिटल है, ये देखिए ये हमारा एक है मेटल का ऑर्बिटल, और ये हमारा है इधर से आ रहा है लिगेंट, ये है लिगेंट, ठीक है, इसको मैं से क्रॉस कर दे रहा हूं, ये हमारा है लिगेंट और ये हमारा है मेटल का ऑर्बिटल। अब देखो लिगेंड के सामने कौन पड़ रहा है बोलो, मेटल का ऑर्बिटल, ये मेटल का ऑर्बिटल लिगेंड के सामने पड़ रहा है, तो मेटल के कौन सा ऑर्बिटल एक्सिस पर होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड व्हाट, डी जेड स्क्वायर। देखो मेटल की मजबूरी है सारे लिगेंड ऑन द एक्सिस है, लेकिन मेटल की मजबूरी है कि उसके सारे ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस नहीं है, मेटल का केवल कौन सा ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ही ऑन द एक्सिस है। मतलब अगर मैं इस ऑर्बिटल को डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या इसको मैं डी जेड स्क्वायर नाम दे दूं, तो लिगेंड तो बेटा सब ऑन द एक्सिस है, लेकिन मेटल के सारे ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस नहीं है। अब गेम क्या होगा, मेटल का वो ऑर्बिटल जो एक्सिस पर है और लिगेंड का वो ऑर्बिटल जो एक्सिस पर है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने पड़ जाएंगे। जैसे ही आमने सामने पड़ेंगे रिपल्सन जोरदार होगा, भयंकर रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो खट से उसकी एनर्जी क्या करेगी, बूस्ट कर जाएगी। आप बताओ मेटल का अगर एक ऑर्बिटल कहीं यहां कोने से आता है, मतलब एक्सिस के बीच से आता है, ये बिटवीन द एक्सिस है, मतलब इसका नाम ले लूं क्या बोलो, DXY DYZ DZX, ये तीनों बिटवीन द एक्सिस होते हैं। मान लो इनमें से कोई ऑर्बिटल यहां आता है, ये मेटल का है ये लिगेंड का है, क्या आमने सामने पड़ रहे हैं बोलो, नहीं। अगर आमने सामने नहीं पड़ रहे हैं तो रिपल्सन तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन रिपल्सन उतना जोरदार नहीं होगा जितना कि लिगेंड के सामने पड़ने वाले ये दोनों ऑर्बिटल करते हैं। इन दोनों ऑर्बिटल को तुम जानते थे कौन से नाम से, ईजी, और इनको तुम जानते थे कौन से नाम से बोलो, T2G। अब आंसर दो, मेटल का कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा धक्का खाया,
मेटल का कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्शन किया? वो ऑर्बिटल जो ऑन द एक्सिस था, और ऑन द एक्सिस कौन था? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, मतलब इसकी एनर्जी बूस्ट कर गई और इसकी एनर्जी नीचे हो गई, मतलब ये किसी डायग्राम में ऊपर जाएगा और ये वाला कहां आएगा बोलो? नीचे आएगा। तो आइए डायग्राम ड्रा करते हैं। देखिए ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, नाम लिखते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। चलिए इसके ऊपर मैं एक और पांचों ऑर्बिटल एक साथ इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है, इनका भी सेम वही नाम है, ये भी है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। हम मानते हैं कि ये जो हमारे पांचों डी के ऑर्बिटल थे, अगर इनकी एनर्जी एक साथ ऊपर उठ जाए तो पांचों ऊपर चले जाएंगे और जो ये ऑर्बिटल हमने बनाया है ये हमारा हाइपोथेटिकल है, ठीक है, हाइपोथेटिकल, और इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। इसका नाम क्या होता है? बैरी सेंटर। अब हम यहां से देखते हैं कितनी एनर्जी ऊपर गई और कितनी एनर्जी नीचे आई। तो अगर मैं ऑर्बिटल बनाऊंगा तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन ऊपर जाने वाला है और कौन नीचे, कौन सा सेट ऊपर जाएगा ईजी, कौन सा सेट नीचे आएगा टी टू जी, मतलब ये हो गया डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, और ये तुम्हारा हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। मतलब ईजी ऊपर चला गया, टी टू जी नीचे हो गया। क्यों ईजी गया? क्योंकि ईजी में रिपल्सन क्या हो रहा है? ज्यादा, और टी टू जी में हो रहा कम। क्यों ईजी में रिपल्सन ज्यादा हो रहा? क्योंकि ईजी और लिगेंड दोनों आमने सामने हैं, रिपल्सन दोनों में क्या हो रहा है? ज्यादा। अब देखिए यहां से इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होता है जो होता है 10 dq का, या इसको हम 10 डेल ऑक्टाहेडल के लिए ओ लिखते हैं। देखिए इस dq का फुल फॉर्म होता है, रेयरली कहीं लिखा होता है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इन क्वांटा, और क्वांटा का कहीं ना कहीं रिलेशन एनर्जी से होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंशियल इन क्वांटा। अब देखो इसकी एनर्जी प्लस सिक्स डी क्यू इंक्रीज करती है और इसकी -4 डी क्यू डिक्रीज करती है। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं इसको +6 मानूं और इसको भी +6 मानूं तो मैं बोल सकता हूं +12 से इसकी एनर्जी बढ़ती है, और अगर मैं इसको -4 मानूं तो -12 से इसकी एनर्जी घटती है, मतलब P2G ऑर्बिटल -12 से नीचे जा रहा है और ED ऑर्बिटल +12 से कहां आ रहा है बोलो? ऊपर आ रहा है। इस डायग्राम को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड डायग्राम फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां डी ऑर्बिटल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको बोलते हैं हम डी डी स्प्लिटिंग। दिस इज नोन एज डी डी स्प्लिटिंग। देखो डी और डी, ये भी किसका? डी का, ये भी किसका? डी का, दोनों में हो गया क्या बोलो? बंटवारा। तो इसी को बोलते हैं डी डी स्प्लिटिंग, और ये होता है सीएफटी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कहानी, और यह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े होंगे आपको यह बताया गया होगा कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंट है जैसे कि CO और CN, CO और CN अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंट है तो वो हुंड के रूल के अगेंस्ट शुरू कर देता है क्या? पेयरिंग। और अगर वीक लिगेंट है तो वो हुंड के रूल के अगेंस्ट पेयरिंग नहीं करता। आइए इसकी कहानी जानते हैं। देखिए मैं दो ऑर्बिटल बनाने चल रहा हूं, यहां मैंने बीच में डी के 5 ऑर्बिटल बनाए। ये जरा आप फिगर देख के बताइएगा, ये मेरा हो गया डी का ऑक्टाहेड्रल टी टू जी और ये हो गया ई जी सेट, ठीक, और इधर भी सेम वही बना रहा हूं, ये है ई जी सेट और ये है हमारा टी टू जी सेट, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बीच,
तो ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब ये जो गैप है ये सीएफएससी है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी स्प्लिटिंग, ठीक है, कि कितने एनर्जी से स्प्लिट कर रहा है। ठीक, एक मिनट रुकना पड़ेगा, ये बात फिर से बोलूँगा, मैं इस ईजी और टीटी फिर से बताने जा रहा हूँ तब। ठीक, देखिए ये नीचे हमारा टीटीजी सेट और ये हमारा ईजी सेट, और इनके बीच में पाया जाता है एनर्जी गैप, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और एनर्जी, मतलब कितनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, स्प्लिट होते समय इनके बीच का एनर्जी गैप क्या है। चलिए, इधर जो मैंने बनाया है वो मैंने बना रखा है स्ट्रॉन्ग लीगेंड के लिए, और ये मैंने बना रखा है वीक लीगेंड के लिए। डिफरेंस देखिए, अगर इसमें मुझको इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है तो देखिएगा 1 2 3, हुल्स के रूल से अगर हम चलेंगे तो 1 2 3, फिर 4 यहां, फिर 5 यहां, फिर पेयरिंग शुरू करेंगे। लेकिन देखो, अगर लीगेंड बेटा स्ट्रांग है, इफ योर लीगेंड इज स्ट्रांग, अगर तुम्हारा लीगेंड स्ट्रांग है तो लीगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच रिपल्शन इतना ज्यादा होता है कि एनर्जी गैप खूब बढ़ता हुआ चला जाता है। यहां देखो एनर्जी गैप क्या है बोलो, ज्यादा। यहां देखो एनर्जी गैप क्या है बोलो, कम। अच्छा, जब एनर्जी गैप खूब हो गया तो 1 2 3 जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है बोलता है कि मुझको इसमें पेयर करना है। अब टीटी भी सेट बोलेगा कि यार तुम इतना ऊपर तो जा ही नहीं पाओगे, तो तुम पेयरिंग कैसे करोगे, लेकिन तुमको पेयर करना जरूरी है, इसलिए क्या करोगे, ये बोलता चलो अगर एनर्जी गैप खूब ज्यादा है, मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूं तो मैं यहीं पे पेयरिंग कर लेता हूं। तो यहीं पर क्या करता है, पेयरिंग स्टार्ट कर देता है। अगर हम बिना पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे, हम आगे के तीनों को पेयर करने लगे, इसका मतलब ये काम हुंस रूल के अगेंस्ट हो रहा है। तो बात समझ में आई, अगर लीगेंड स्ट्रांग होगा रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो एनर्जी खूब बढ़ेगी, एनर्जी खूब बढ़ेगी, एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा। जैसे दो, अगर कोई गैप ज्यादा है तो तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो, वहीं से रिटर्न मार लोगे, तो गैप इतना ज्यादा है कि उसी में रिटर्न शुरू कर दिया पेयरिंग। लेकिन यहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर कोई लीगेंड वीक है, वीक लीगेंड कमजोर आदमी, कम रिपल्सन, कम स्प्लिटिंग, अगर स्प्लिटिंग कम है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऊपर, पांचवा यहां, पूरी तरीके से ये फॉलो कर रहा है किसको, हुंस के रूल को। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप क्या है बोलो, कम। कोई भी इस एनर्जी गैप को आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्ट्रांग लीगेंड के केस में एनर्जी गैप क्या होता है, ज्यादा, और ये अगेंस्ट काम करता है किसके, बोलिए, हुंस रूल के अगेंस्ट काम करता है। एक चीज इंपॉर्टेंट, जितने भी टेट्रा हाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, कौन, टेट्रा हाइड्रल कॉम्प्लेक्स, जितना भी टेट्रा हाइड्रल कॉम्प्लेक्स होगा उस पर यह कंसेप्ट फॉलो नहीं करता है कि हुंस रूल के अकॉर्डिंग पेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें टेट्रा हाइड्रल की, तो मेटल के साथ लीगेंड कितना होता है, 4, और अगर बात करें ऑक्टाहेड्रल की तो मेटल के साथ लीगेंड कितना होता है, 6 आदमी, ज्यादा धक्का, ज्यादा रिपल्सन, 4 आदमी, कम धक्का, कम रिपल्सन। अगर ये 4 लोग हैं, ये वीक हो या स्ट्रांग फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग पैदा नहीं कर सकते हैं जितना कि कितने लोग कर सकते हैं बोलो, 6 लोग। इसलिए हुंस के रूल के अकॉर्डिंग पेयरिंग होना या ना होना ये केवल काम करता है कौन से कॉम्प्लेक्स पर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पर। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस तरीके की कोई बात हम नहीं करते, तुम्हारा लीगेंड वीक हो या तुम्हारा लीगेंड स्ट्रांग हो, रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है, मतलब हम चलेंगे हुंस रूल के अकॉर्डिंग। ये केवल स्पेशली किसमें काम करता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ये पूरी सीन थी कि कैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सॉरी, कैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, कैसे स्प्लिटिंग होती है, कौन फ्रंट पर पड़ता है, कौन रिपल्सन करेगा, किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, क्यों हम हुंस के रूल के अगेंस्ट पेयरिंग करते हैं,
सिक्स लीगेंट हैविंग मोर रिपल्शन इन कंपैरिजन टू द फोर लीगेंट, इट मींस ऑलवेज ऑलवेज जितने भी ऑक्टाहेड्रल हैं उनकी एनर्जी टेट्राहेड्रल से क्या होगी, ज्यादा होगी। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, और फिर दोनों की एनर्जी में डिफरेंस बताएंगे कि क्या डिफरेंस है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीकेटी केमिस्ट्री।